लिमिटेशन दी गई थी, यानी व्हाट एवर द टाइम लिमिट वॉज प्रिस्क्राइब फॉर राइटिंग एन आंसर, क्या आपने उस चीज को उस तरीके से लिया है, नहीं लिया है, पहली बार। दूसरा, जब कोई हाई लेवल पेपर्स लिखते हैं तो वो जो वर्ड्स होते हैं ना, पर्टिकुलरली क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब वो तो ठहरे मास्टर्स, तो उनको पता है कि जो वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए। अगर आपने उस वैल्यू ऑफ द वर्ड्स को एक्सीड किया, बढ़ाया, तो तुम्हारे ऊपर वो बैकफायर करेगा। आप ये सोचना ही नहीं कि अरे मैं जो पढ़ के गया था, मैं तो इतना बड़ा 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 आंसर लिख के आया, तो उससे कोई मतलब नहीं है उनको। आप जब गूगल पे भी डालते हो तो आप कीवर्ड सर्च करते हो ना, है ना, कीवर्ड्स डालते हो। एग्जाम्पल, कोई भी एक कीवर्ड डाला तो उस पे आपको पूरा पिक्चर आ जाता है। तो वही एक्सपेक्टेशंस जो है जुडिशरी के मास्टर्स करते हैं आप लोगों से कि वो आपने बराबर किया है या नहीं है। ना, जो यूज है, क्या यूज है, मतलब क्या होता है ना, हम लोग अपनी नाक पकड़ के गले आई ये करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसको मत वैसा करो ना। सिंपली आप उन चीजों को समझने की कोशिश करो। तो आप जब भी आंसर्स लिखते हो तो सिंपल लिखो, जो आप लोगों को होशियारी दिखानी होती है ना। जैसे मेरे क्लास में कौन है, ये क्या नाम है, आई डोंट रिकलेक्ट हर नेम। सबसे जो आया वो वो जो है ना, उसने मुझे क्या बोला था पता है, कि मैम जो आ आपकी ड्राफ्टिंग है ना, जाएगा कि शिवा प्लीज कीप योर माइक ऑफ, आपकी ड्राफ्टिंग जो है वो कंप्लीटली सिंपल है। तो मैंने वो सिंपल ड्राफ्टिंग क्यों करती हूँ, आप यहां से देखो, मैं इसीलिए आप लोगों को ये सब बता रही हूँ। जब कोई आंसर आप लिखते हो तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप जिस चीज के लिए लिख रहे हो वो चीज लिखो उसके अंदर। अगर वो इंग्रेडिएंट ही नहीं है तो फिर वो चीज का मतलब ही क्या रह जाएगा। योर मोटो शुड बी टू कन्वे योर आइडियाज ऐसे रेंज में कि वो लोगों को समझ में आनी चाहिए। यानी मैंने ऐसे बोल दिया, ए ऐसा नहीं है वैसा है, आप बोलेंगे पता नहीं क्या पढ़ा रही है, हमें तो हमारे सर से बाहर जा रहा है। हम टीचर्स को भी ऐसे सोचते हैं, आई डोंट नो क्या पढ़ा रही है, बहुत बोर हो रहा है, नींद तो पक्की आ रही है, क्या बकवास बोल रही है ना, ऐसे लग रहा है चौक उठा के मारू। दिस इज वॉट वी डू इन आवर कॉलेज टाइम। तो बेटा नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट योर कॉलेज। जब कोई आप कोई बड़ा वर्ड इंसर्ट करते हैं, टफ वर्ड्स यूज करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मेरा आंसर तो अट्रैक्टिव होगा, वो जो चेक करने वाला होगा वो तो खुश हो जाएगा, है ना। बोगैम्बो खुश हुआ, पर खुश नहीं होगा। देखो, हाउएवर जब जुडिशरी एग्जाम होता है ना, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करो। मैंने आप लोगों को लीगल मैक्सिम्स के बारे में और फ्रेजेस के बारे में पहले ही बताया है, उससे आपका आंसर डिसेंट होगा, सपोर्ट करेगा, और वो वर्ड्स जो आप यूज करेंगे ना वो क्वाइट इंप्रेसिव होंगे, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन वहां पे आप लोगों को हेल्प करेगी। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम लोगों को जुडिशरी प्रिपरेशन करनी होती है या नहीं। चलो चौथी बात बताती हूँ मैं, शॉर्ट सेंटेंसेस। शॉर्ट सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, कि दो वर्ड लिख दिया, सेंटेंस शॉर्ट हो गई, या समरी बना लिया, सेंटेंस शॉर्ट हो गई। तो यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। शॉर्ट सेंटेंस का मतलब ये होता है, जब आप जुडिशरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों का प्राइमरी मोटिव क्या होना चाहिए, कि आपका प्राइमरी मोटिव ये होना चाहिए कि अपने आप को, आप जब कुछ ऐसा कर रहे हो तो आपको सुनाई देना चाहिए। तो बेस्ट वे, अगर मैं आपको बताऊं ना, कि राइट शॉर्ट सेंटेंसेस, लंबा लंबा लंबा, कॉमास नहीं है, है ना। एक सेंटेंस लिख दी, माय फादर वेंट टू दिल्ली, ही केम एट दिस, एग्जांपल आई एम टेकिंग। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो उसमें हम लोग क्या दिखते हैं, गधे दिखते हैं। तो इजी वे टू रीड, यू कैन सी दैट दे आर इजी टू रीड, कॉमा, अंडरस्टैंड, कॉमा, मतलब मैं उसको शॉर्ट शॉर्ट स्वीट स्वीट बना रही हूँ और मैं इंप्रेशन क्रिएट कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। क्योंकि अगर मैं फ्रेंडलीनेस नहीं दिखाऊंगी आप लोगों के साथ, मैं बैठी हूं ना, मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको क्या नहीं आ रहा है,
मेरे होते हुए अगर आप टेंशन ले रहे हो तो मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। दिस मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, आपको लाइट कर रही हूँ, है ना, कम कर रही हूँ। तो यू मे चूज ना कि कौन से पॉइंट्स, लाइक आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा, सेकंड पॉइंट लिखा, एंड सो ऑन, मतलब आगे भी जैसे आप 3 4 5, जस्ट एग्जाम्पल आई एम टेकिंग। जब आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और स्मॉल सेंटेंसेस कहाँ पे लिखेंगे? ऑफ कोर्स आप लोगों को नोटबुक में नोट करना होता है। जैसे मेरी क्लास की उज्मा है, वो 100% जो भी मैं कहूँ ना उसको नोट डाउन करती है। कभी भी मैंने उसको बिना नोटिंग करते नहीं देखा रहेगा। उसके हाथ में बुक होता है, उसके हाथ में पेन होता है। अनुषा भी होने दो, आई कैन नो एंड आई कैन बेट अबाउट इट कि वो 100% उन चीजों के प्रैक्टिस पे काम करती होगी। ठीक है, आगे बताती हूँ। जब आप कोई एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, नोटबुक में नोट डाउन कर रहे हो, तो जब हम लेंदी सेंटेंसेस लिखते हैं ना, तो आपका जो आर्ट है ना वो दिखता है कि आपको क्या करना है। यानी कि आप लेंदी सेंटेंसेस में अगर उसको कॉमा लगा के उसको स्मॉलर पीसेस में बनाओगे, तो ये आप लोगों की हैबिट बनेगी ग्रेजुअली, यानी स्लोली स्लोली आप उस चीज को एडिक्ट होंगे। जैसे एग्जाम्पल, आप मेरे क्लास से एडिक्शन हो चुकी है ना, हो चुकी है, मजा नहीं आता, मुझे नहीं आता, एडिक्शन है, मैंने नहीं पढ़ाया, और ये मैंने नहीं पढ़ाया, मेरे को तो मूड नहीं आ रहा। तो दिस व्हाट ग्रेजुअली एंड स्लोली वो सारी चीजें उस तरीके से होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने एक नोट बनाया है। ये नोट का मेरा रीजन ये है कि जब हम राइटिंग करते हैं तो लॉ जो आपका होना चाहिए ना वो एग्जैक्ट होना चाहिए। मतलब आपने एक वर्ड यूज किया लॉ के अंदर, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं, इफ आई यूज अ रॉन्ग लैंग्वेज वर्ड इन फ्रंट ऑफ योर, उसका मतलब कुछ और ही है, ठीक है, उसका मतलब कुछ और ही है। तो देखो जब हम लोग कोई राइटिंग एक्सट्रैक्ट लिखते हैं, उसमें अगर ब्रेकेट नहीं है, मतलब क्या होता है वो, अगर वो चीज उस तरीके से नहीं आती है, जैसे आप कोई रेगुलर ग्रामर, अब आपने देखा होगा इंग्लिश क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे, लोग भावरे होते जा रहे हैं, पीपल आर गोइंग मैड, स्टूडेंट्स आर गोइंग मैड, इंग्लिश सीखनी है, वी वांट टू लर्न इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। इफ यू डोंट नो ग्रामर, व्हाट द हेल इंग्लिश इज गोइंग टू डू फॉर यू ऑल? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचिंग इज रियली वियर्ड, बिकॉज दे टीच हाउ टू राइट इंग्लिश बट दे डोंट अंडरस्टैंड इफ वी डोंट नो द ग्रामर। एंड इन लॉ आई मस्ट टेल यू एवरी वन दैट इन लॉ इट इज कंपल्सरी फॉर ईच वन ऑफ यू टू नो द ग्रामर। वाई ग्रामर? बिकॉज वेर अ एंड द कम्स इट शोज वॉट कैलिबर यू हैव, अदरवाइज इट्स नो यूज। ठीक है, आई एम सीन देर आर मेनी क्लासेस हु टेक एसे क्लासेस, आई हैव सीन ऑन यूट्यूब देर आर मेनी टीचर्स आर टीचिंग हाउ टू राइट एन एसे। तो बाबा हम लोगों ने ऑलरेडी, जब हम इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए, हिंदी मीडियम स्कूल से आए, तो क्या हमने 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं दी थी क्या? नहीं दी थी क्या? नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ही आप लोगों को ले डूबते हैं। ठीक है, अब आंसर के ब्रेकअप्स पैराग्राफ्स में कैसे होने चाहिए? इतना मजा आना चाहिए ना सामने वाले को कि लॉ नहीं पढ़ रहा हूं, उसे ऐसा लगना चाहिए कि आई एम रीडिंग समथिंग डिफरेंट देन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। ठीक है, लॉन्ग पैराग्राफ एड्रूस इज टू रीड। अब देखो जब शॉर्ट पैराग्राफ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो टाइम कंज्यूम करने में इजी हो जाता है, छोट 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 मारो। और जैसे आप लोगों को यूट्यूब पे ऐसे इंस्ट्रक्टर्स बैठे हुए हैं जो आपसे ये बोलते हैं कि प्लीज स्टडी, आई एम सॉरी, चलो YouTube पे ऐसे इंस्ट्रक्टर्स बैठे हैं जो आप लोगों से एक बात कहते हैं, वर्ड टू वर्ड लॉ लिखना। ठीक है, वो आपसे क्या कहते हैं भाई, वर्ड टू वर्ड लॉ लिखना। उनसे खुद कहिए
आपके सामने खड़े हो जाएं और वर्ड टू वर्ड लॉ बोल के दिखाएं, ठीक है? मैं मान जाऊंगी। इसीलिए मैं ये कह रही हूं कि आप लोगों को जो पैराग्राफ का साइज होना चाहिए वो आपके कैसे होने चाहिए। आप हो सकता है ना ये पूछोगे कि पैराग्राफ की कितनी साइज होनी चाहिए। मैम पैराग्राफ तो छोटा होना चाहिए, लेंदी नहीं होना चाहिए, प्रेजेंटेशन बेटर होना चाहिए। तो हाउ इन बेटर इन व्हाट सेंस, कैसे? तो वो एक्सेप्टेबल रेंज में ऐसे होगा बेटा, जब 3 to 5 sentences आप लिखते हो तो आप क्या करते हो ना, उसमें प्रिसाइज करते हो। देखो जब कोई सेंटेंसेस हम लिखते हैं तो उसको प्रिसाइज करना चाहिए, छोटा करना चाहिए कि आप बढ़ाते जाना चाहिए। हाँ वो ऐसी सेंटेंसेस होनी चाहिए जो रिटन एग्जाम्स के टाइम पे आपके इंस्ट्रक्टर, जो एग्जामिनर है, उसको वैल्यूबल लगे, उसको मजा आ जाए, उसको लगे कि वाह व्हाट अ प्रोजेक्ट, नाउ दिस गर्ल दिस बॉय दिस पर्सन विल मेक अ फ्यूचर ब्राइट। ये अपना ये होना चाहिए। नाउ एम्पल यूज ऑफ लीगल टर्म्स जो होते हैं, देखो आप लोगों को ना लीगल टर्म्स को आंसर्स में लीगली यूज करने आना चाहिए। सपोज मैं आपको बताती हूँ, आप कुछ ये बोलना चाह रहे हो कि दैट द मैरिज इज वॉइड एंड द पार्टीज हैव नो लीगल ऑब्लिगेशन अटैच टू इट, तो ये सेंटेंस क्या हुई? परफेक्ट। क्यों? ये एक सेंस तो लेके आ रही है कि भाई जो मैरिज थी और वो वॉइड थी और उसको कोई लीगल ऑब्लिगेशन था ही नहीं उस मैरिज को कंटिन्यू करने के लिए, खत्म। सिंस यू आर राइटिंग अ लॉ एग्जाम तो ट्राई तो आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, लीगल वर्ड्स लीगल टर्म्स। क्योंकि सिंपली अगर मैं कहूं मैरिज इज एन्युल्ड, दैट मींस व्हाट, ये छोटा हो गया है ना, क्योंकि अगर हम ग्रेजुअली ये लिखने जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो शॉर्ट होने चाहिए और उसमें एग्जिबिट्स होने चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊं कि जो भी एग्जामिनर होता है ना वो बहुत इंप्रेस होता है। इट मेक्स इट मोर इम्प्रेसिव, इट मेक्स इट मोर क्रिएटिव। उसका रीजन ही ये है कि वो खुश होता है इस बात पर। समझ रहे हो या नहीं? यस मैम जी मैम चल मेंशन द इंपॉर्टेंट केस लॉस। जब आप केस लॉस लगाते हैं तो ना अगर किसी मेंटोर को, किसी जज को, किसी लॉयर को खुश करना है ना, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एडिंग अ केस लॉस टू द आंसर, अगर आपने मुझे पढ़ाते हुए देखा है तो डेफिनेटली ये चीज तो आपने देखी होगी कि हर प्रोविजन के पीछे एक केस लॉ लेके आती हूँ, हर सेक्शन के पीछे एक केस लॉ लेके आती हूँ। तो ये क्या होता है, अथॉन्टिक हो जाता है, कन्विंसिंग हो जाता है कि जो ये केस लॉ है ये पंच मार्क है, क्योंकि इस आंसर को कंप्लीट करने वाला है आप लोगों के लिए केस लॉ। इवन इफ अगर आप नहीं याद करते हो कि भाई साइटेशन क्या है, केस क्या है, तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्टली वर्डिक्ट लिखो लिखो। एग्जामिनेटर जो है ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड कि नाम क्या था। अगर रेप केस होता है तो एक्स एंड वाई क्यों लिखते हैं, नाम लिखे ना। तो इंस्टेड उसको क्या चाहिए, उसको मेंशन करना कि जो जजमेंट डिलीवर की थी एपेक्स कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, एनी कोर्ट ने, वो अप्रोक्सीमेटली उस सेक्शन के लिए, उस चीज के लिए जो आपने वो प्रोविजन के लिए लिखा है, सेक्शन के लिखा है, आंसर के लिए लिखा है, इट इज क्वाइट सूटेबल। ठीक है, समझ में आ रहा है? उज्मा कुछ बोल ही नहीं रही हो, अभी ऐसे कर रही हो जैसे मैं YouTube पे बैठी हूँ। ठीक है चलो नेक्स्ट। फॉलो द पेपर एंड अ जजमेंट राइटिंग इन अ फॉर्मेट। अब अगर आप लोगों को अटेम्प्ट करना है तो जजमेंट आपके आंसर में, सीक्वेंस आपको समझना पड़ेगा, फॉर्मेट आपको समझना पड़ेगा, पहले क्या होता है फिर क्या होता है। क्योंकि जज को जजमेंट देते समय फैक्ट्स तो उसके हाथ में ही होते हैं। प्लेंटिफ अपने फैक्ट्स लाएगा, डिफेंडेंट अपने फैक्ट्स लाएगा, कंप्लेनर अपनी बोलेगा, अक्यूज अपने ट्रायल में काम करेगा। तो इट इज अ सिंपल, यू कैन फाइंड इट फ्रॉम वेरियस लॉ बुक्स, आई विल नॉट सजेस्ट, बट स्टिल अगर आपको इंटरेस्ट है मेरे जैसे, तो आप महाराष्ट्र, हम लोग महाराष्ट्र वाले हैं तो मैं इसीलिए अपने
महाराष्ट्र लॉ जर्नल्स खरीदती हूँ बहुत सारे, क्योंकि उसमें नए नए जो साइटेशंस आते हैं। तो मेन थिंग क्या होती है कि जब हम जजमेंट लिखते हैं तो उसमें कैसे करेक्ट लॉ और जो एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसपे जो फैक्ट्स होते हैं ना उसको वो एकदम ब्राइटर कर देता है, उसको बहुत अच्छा करता है। उसके बाद में आप लोगों को बहुत सारे एब्रीवेशंस यूज करने के लिए जरूरत ही नहीं है। यू आर सिटिंग इन हॉल, और अगर आपको जुडिशियल सर्विसेज में उतरने का है तो शो इन योर पेपर, अपने पेपर में दिखाओ वो सब्जेक्टिव आंसर्स, वो एब्रीवेशंस जो जरूरत नहीं, मत लिखो। यू आर नॉट यूजिंग अ स्मार्टफोन। आप डिस्प्ले, जैसे अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैं स्मार्टफोन यूज कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो एक्सचेंजिंग फन कन्वर्सेशन विथ योर मेट्स, यू आर नॉट यूजिंग इट। वहां पे आप उधर हंसी ठकोली ही हाहू नहीं करने बैठे हो। इट इज इट्स अ रिगरस हार्ड वर्क ऑफ योर्स, आप लोगों के सालों की मेहनत है जो आप लोगों के वर्ड्स में रिफ्लेक्ट करेगी, वरना आप क्या करोगे, उन चीजों को रुइन कर दोगे। क्विक एब्रीवेशन खत्म होना चाहिए, मतलब यू शुड नॉट रुइन दैट थिंग। इट शुड कम टू योर पेपर, इट शुड शो, आप लोगों को दिखाना चाहिए वो चीजों में, ऐसा आना चाहिए कि मजा आ जाए। जब कोई पर्सन आपके पैराग्राफ को रीड करता है तो उसे क्या होना चाहिए ना, उसको इच्छा होनी चाहिए, शुड विश टू कंटिन्यू फ्लो, वाओ वाओ अमेजिंग अमेजिंग, और आपकी सेंटेंसेस पढ़ने में मजा आ जाए। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म और पंचुअल वर्ड्स होते हैं जो इस फ्लो में लेके आते हैं, आपके पेपर चेकर को कंफर्टेबल करते हैं आप लोगों के आंसर से। तो ऑलवेज रिमेंबर, यू आर एन अपकमिंग जज, आप जज बनने वाले हो, योर वर्ड शुड रिफ्लेक्ट वो आपके शब्दों में, आपके माइंडसेट में, आपके फिलोसॉफी में, जैसे मैं बोल रही हूँ वो सारी चीजें आनी चाहिए। इससे क्या होगा, इम्प्रेशन, इससे क्या होगा, आप मीठे शहद के जैसे बोलो क्लास के अंदर, लेकिन जब आप बोर्ड के सामने खड़े होते हो, अरे मीठे शहद जैसे आप बन ही नहीं सकते, क्यों, आपके खून में नहीं है वो, ब्लड में ही नहीं आएगा ना। नेक्स्ट पॉइंट इज, हैव अ सिनॉप्सिस इन माइंड। नाउ व्हाट काइंड ऑफ सिनॉप्सिस, किस तरीके की सिनॉप्सिस आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप लोगों को पेन उठाने से पहले, पेपर पे लिखने से पहले, मेक श्योर कि आपने एक आउटलाइन अपने दिमाग पे सेट करके रखी है, आपने क्लियर पिक्चर लेके रखा है कि मुझे इस आंसर को इस तरीके से लिखना है। डू नॉट थिंक दैट कि आप इम्प्रोवाइज करेंगे, प्रोसीड करेंगे। क्लियर पिक्चर स्टार्ट से रखो कि आपके मिस्टेक्स करेक्ट होने चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, और आपके जो आंसर्स है वो सिस्टमैटिक और क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में होना चाहिए, कि मैं लंदन गया, लंदन से बॉम्बे गया, बॉम्बे से पूना, इट शुड बी इन अ क्रोनोलॉजी वे, इट शुड नॉट बी बकवास कि मैं यहाँ गया था, फिर मैं वहां खाना खाया, फिर मैं वहां सो गया, दिस इज अ ब्लडी शिट विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय टीचर्स एनी वेज। तो आपका एस्टिमेटेड और टाइम लिमिट क्वेश्चन का क्या होना चाहिए। नेक्स्ट बात तो आपके दिमाग में आती है कि मैम क्या एस्टिमेशन, कितने टाइम में हमको आंसर खत्म करना है, कैसे हम शॉर्ट आंसर्स लिखेंगे, किस तरीके से। तो आपकी राइटिंग स्पीड और ड्यूरेशन जो है आपके पेपर में एकदम बनी हुई होनी चाहिए। तो जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग है, तो एंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये यूट्यूब के टीचर्स के ऊपर नहीं कि तुम 10 मिनट में पूरा करो, 20 मिनट में पूरा करो, और हम इधर बेवकूफ बनते रहे। तो जब कोई आंसर लिखते हो, ट्राई टू कंप्लीट योर सेट ऑफ फ्रेम, यानी कि अपने दिमाग लगाओ और उसको उस तरीके से पूरा करो। अगर आप स्ट्रेच करोगे कि चलो पहला आंसर है ना बहुत अच्छे से लिखता हूँ, बाकी के कौन पढ़ता है, नहीं, दिस इज योर जुडिशरी एग्जाम, बाकी का ही सब पढ़ेंगे, तो आप है ना दो क्वेश्चंस को एक्सीड कर दोगे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा, दूसरा क्वेश्चन और बड़ा लिखा, अननेसेसरीली क्या हुआ, आप पैनिक होना स्टार्ट करोगे, आप कंट्रोल लूज करोगे, अरे 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 बाप रे मेरा तो ये भी रह गया, अरे अरे, सो दिस शुड नॉट हैपन ओवर देयर। तो अवॉइड दैट। ये टिप्स इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों को जो वर्ड काउंट है, समरी आप लोगों को लिखना चालू करना चाहिए, कि जब हम लिखते हैं तो इतने लेंदी आंसर्स लिखते हैं कि हमारा सर, जो लिखने वाला है वो तो ठीक है, जो पढ़ने वाले का सर नहीं घुमाना। तो उसके हिसाब से आपको टाइम लिमिट सेट करना है। ऑलवेज रिमेम्बर, टू क्वेश्चन विद अ गुड लॉन्ग आंसर्स आर नॉट एन एक्सक्यूज, मिस इवन अ सिंगल क्वेश्चन। अगर आपने दो क्वेश्चन में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी तो आगे तो मतलब खुदा भगवान जो भी है वही मालिक है। अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को ना
एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ कि जब दो लॉन्ग आंसर्स अगर 40 मिनट्स में आप लोगों को, समझो देर आर टू लॉन्ग आंसर्स एंड 40 मिनट्स अगर हम लोगों के रहे, तो आपको यूटिलाइज कैसे करना है? 32 मिनट में आप लोगों को एक्सेलेंट वर्क करना है उसके अंदर, यानी कि 8 मिनट्स फॉर द सेकेंड वन, इफ यू आर कीपिंग इट दिस मिनट, तो नॉट टू डू दैट, और ये सब चीजें मत करना। अगर आप 20 मिनट्स में कोई आंसर लिख रहे हो, तो आप लोगों को 7 out of 10 marks तो 100% मिलेंगे। तो आपने क्या किया, 32 मिनट में आपने वो चीजों को यूटिलाइज किया, और मोस्ट लाइकली समझो 8.5 ही मिलता है आउट ऑफ 10। वेरी वेरी गुड, एक्सलेंट। तो जस्ट थिंक कि अगर मुझे 1.5 एडिशनल मार्क्स मिल जाते हैं, तो मैं सैक्रिफाइस क्यों करूं दूसरे क्वेश्चन के लिए भाई? हाँ, अगर मैं इजीली स्कोर कर सकती हूँ कि मिनिमम मुझे 5 से 6 मार्क मिल सकते हैं, तो अप्रोप्रिएट टाइम में वैसा करूं। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लास्ट 15 मिनट्स का जो रिविजन करना है, जब पेपर खत्म होता है, ये क्रूशियल वर्ड है, ये क्रूशियल है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो मैं बता रही हूँ। दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम ऑफ योर मेन एग्जामिनेशन। विद इन 15 मिनट्स यू हैव टू गो थ्रू योर होल पेपर दैट यू टुक मल्टीपल आवर्स टू राइट, बट इट इज वेरी एसेंशियल। ये बहुत जरूरी है, ये जो 15 मिनट्स है ना आप लोगों के लिए, जब मतलब आखिरी के 15 मिनट, अगर इफ यू मिस्ड अ वर्ड या कोई असेंशियल चीज जो आपको नोट डाउन करनी थी, पंचुएशंस लगाने थे, शॉर्ट एग्जाम्पल या केस नेम, कुछ भी ऐसे लगता है, तो यू मे ऑल्सो यूज दिस टाइम। उसमें आप अंडरलाइन करो, क्रूशियल पॉइंट्स के आंसर करो, और अगर आपको ऐसे लगता है कि सूटेबल चेक या उसमें कुछ ऐसा मिल जाता है जिसको मुझे करेक्ट करना है, वो आपके लिए टाइम है। और ये टेक्निक जो है आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है, इसीलिए बोल रही हूँ आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ लेक्चर, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई डिड, आई एम जस्ट गिविंग योर, मैंने जो किया था मैं आप लोगों को दे रही हूँ, बस यही समझ लेना, ठीक है? नाउ कीपिंग दीज टेक्निक्स इन माइंड, यू कैन अटेम्प्ट मेन एग्जामिनेशन वेरी इफेक्टिवली और फ्लॉलेसली, आराम से कर सकते हो यार। सिस्टमैटिक अप्रोच रखो, और आप उस घोड़े के रेस में भाग रहे हो जो बहुत टाइम लेता है, तो वीक पॉइंट्स पे आपको अपने काम करना है, यूटिलाइज करना है, और प्रॉपर रूटीन बनाना है, मैनेजमेंट करना है, डिसिप्लिन अपने आप को करना है। कोई भी गोल बड़ा नहीं होता, नो गोल इज टू बिग। फाइनली अगर कोई स्टूडेंट जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम को लेकर मल्टीपल ओपिनियंस आपको देगा, अरे ऐसे करना, अरे वैसे करना, चार्ट बना चार्ट बना, ओ आई एम नॉट नेमिंग बट आई विल से इट राइट नाउ दैट तंसुक, जो भी उसका नाम है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, आई डोंट नो हिम प्रॉपरली, चार्ट बनाओ। अरे चार्ट बनाएंगे तो एग्जाम में क्या जख मारेंगे क्या उधर बैठ के? वेन इफ यू आर नॉट क्लियर ऑन योर पॉइंटर्स, आपके जो पॉइंट्स हैं अगर वो क्लियर नहीं है क्लियरली, मैं अगर आप एज अ लॉयर आपको एडवाइस देती हूँ, अगर आपकी बीबी को डाइवोर्स चाहिए तो आपको ये करना पड़ा, इफ आई एम नॉट एडवाइजिंग इट इन अ करेक्ट वे, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग, लिसन टू एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट आई एम गिविंग यू ऑल। अब एवरी मीन्स एवरी, क्योंकि आपको एनालाइज करना है, अ पर्सन बेटर नोज अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आप लोगों को कोई ये तानसुक नहीं जान सकता, ये पीयू भी नहीं जान सकती, आप खुद अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आई एम नो बडी, आई एम नो बडी टू से एनीथिंग, इट्स यू, इट्स यू, इट्स ओनली यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट, इसीलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ओवरव्यू दिखाती हूँ कि मैंने जो बिगिनिंग करी है, जो मैंने शुरुआत करी है, वो मैंने किस तरीके से करी थी। तो मैंने मेरे अनुभव से, मेरे एक्सपीरियंस से, जो मैंने किया था अपनी मेहनत करके, अपना सारा बेस्ट एफर्ट्स, हाँ मैं मानती हूँ कि आई एम मैड बिहाइंड लॉ, मैं लॉ के लिए बहुत पागल हूँ, मुझे पढ़ना, मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस है, एवरीबडी हैज इट्स ओन विम्स एंड फैंसीज, बट लीविंग योर फैंसीज वर्ड, अगर आप इस पे आते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी रोक सकेगा।